चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक मिनट एडमिट कर लू बच्चे को पेज नंबर कौन सा था यहीं से पढ़ना ना शायद अपन को इसी पेज से पेज नंबर सेवेंटी फाइव ठीक है Hmm. अब क्या हुआ कि यहाँ पर कह रहे हैं लेखक क्या कह रहा है कि लाहुल की तरह ही इस पीती में भी दो ऋतुए होती है ठीक है लाहुल जो जिला है वहां पर और स्पीति में ऋतुएं कितनी होती है दो ऋतुए होती है कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है लेखक यहाँ पर कह रहा है कि मैंने किसी अपनी दूसरी किसी रचना में छह ऋतुओं के बारे में बताया है भारत में रितुए कितनी आती है छह रितुए आती है सबको पता है सबको पता है ना? अरे पता है कि नहीं पता जवाब दिया करो yes, पता है ना तो फिर यहाँ पर लेके लेखक ने लाहौर स्पिति में क्या है रितुए कितनी होती है सिर्फ दो होती है ठीक है तो लेखक आगे कह रहा है कि ये अभ्यास दोष के कारण ही है ये मेरी मतलब ये मेरी चूक मेरी गलती है कि मैंने इसी रचना में छह ऋतुओं के बारे में बोल दिया है किन की ऋतु में बोल दिया कितने, कौन सी ऋतुओं के बारे में छह ऋतुओं के बारे में बोल दिया है ये मुझसे गलती हो गई है क्यों गलती हो गई है क्योंकि में तो सिर्फ दो ही ऋतुएं होती है आता तो ये भारत देश के अंतर्गत ही है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर ऋतु सिर्फ दो आती है ठीक है फिर कह रहे हैं कि यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है जून से लेकर सितंबर तक बहुत कम समय के लिए वसंत ऋतु आती है शेष वर्ष और बाकी का समय जो है शीत ऋतु बाकी के समय में शीत ऋतु होती है मतलब सर्दी होती है वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान रहता है 8 रिकॉर्ड 8 सेंटीग्रेड ठीक है वसंत में तो क्या तापमान रहता है 15 सेंटीग्रेड और जनवरी में जब शीत ऋतु शुरू हो जाती है तब आठ सेंटीग्रेड होता है औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता अब हम यदि औसत तापमान का सोचे कि यहाँ पर सामान्य तापमान इतना ही होता होगा इतनी ही ठंड होती होगी इस तापमान के अंदर या इतनी ही सर्दी लगती होगी ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ऐसा नहीं है वसंत में दिन गर्म होता है रात ठंडी होती यहाँ पर क्या है वसंत ऋतु में थोड़ा सा दिन गर्म होता है लेकिन रात ठंडी होती है शीत में क्या होता है इसका कल इसकी कल्पना ही की जा सकती है या कभी रहकर देखा जा सकता है सर्दी की ऋतु में यहाँ का मौसम कैसा कैसा होता होगा या तो इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं या सिर्फ यहाँ पर हम रह कर देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं कि कितनी ठंड यहाँ पर शीत ऋतु में पड़ती होगी स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है लाहुल से भी कम दिनों की वसंत ऋतु स्थिति में होती है वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते हैं अपने यहाँ पर क्या होता है जब वसंत ऋतु आती है तब चारों तरफ फूल खिल जाते हैं हरियाली छा जाती है लेकिन यहाँ पर वसंत ऋतु में भी फूल नहीं खिलते ना हरियाली आती है ना ही फूल खिलने की जो सुगंध होती है वो भी यहाँ पर नहीं होती दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है ठीक है दिसंबर में से फिर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और ये बर्फ अप्रैल मई तक कंटिन्यू लगातार पड़ती रहती है यहाँ जो ठंडक है वो भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है नदी नाले ठंड के कारण जम जाते हैं हवाएं बर्फीली हवाएं बहुत तेज चलती है और ये बर्फीली जो हवाएं हैं वो मुंह हाथ और जो हमारे खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह जैसे मतलब कांटों की तरह चुभती हो ठीक है कोई दिक्कत किसी को यहां तक नो मैम। ठीक है स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है मध्य हिमालय मानसून मानसून की पहुंच के परे है हिमालय का जो मध्य भाग है वहां मानसून नहीं पहुंच पाता चांस कभी एक दो बार पहुंचता है तो पहुंचता है अदरवाइज वो भी नहीं पहुंचता यहाँ बरखा बहार नहीं है यहाँ पर वर्षा की बहार नहीं है कालिदास को अपने ऋतु संघार में यहाँ वर्षा का तो संघार ही करना पड़ेगा <coughs> कालिदास जो हमारे पुराने महाकवि हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं तो वहीं पर उन्होंने एक ऋतु संघार नाम की रचना भी लिखी इस ऋतु में उन्होंने वर्षा का बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है तो लेखक कह रहा है कि कालिदास यदि यहाँ पर आकर अपनी ऋतु संघार की रचना लिखते तो उनको यहाँ पर वर्षा को तो हटाना ही पड़ता जबकि ऋतु संघार है वो पूरा क्या पूरा मतलब वर्षा पर केंद्रित है इसमें वर्षा के बारे में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से बहुत सुंदर बताया गया है मतलब ठीक है बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है मतलब कालीदास ने वर्षा का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है यह है वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है कैसे शुरू होता है क्या लिखा उन्होंने अपने काव्य में कि प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ ठीक है बादल क्या है जल की फुहारों से भरे हुए हैं ठीक है ठीके? और मतवाले हाथी पर उन बादलों को मतवाला हाथी बताया गया है चमकती हुई बिजलियों को झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ वर्षा ऋतु में बादल गरजते हैं तो उनको नगाड़े के समान बताया गया है हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस पावस मतलब वर्षा राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर यहाँ पर आ पहुंचा है ये उन्होंने अपने ॠु संहार में वर्षा के बारे में कुछ बताते हुए लिखा है ठीक है फिर आगे कह रहे हैं कि यह पावस जो है यहाँ नहीं पहुंचता है ये इस प्रकार की जो वर्षा ऋतु है वो यहाँ पर नहीं पहुंचती स्पीति में नहीं आती है कालिदास की जो वर्षा की शोभा है वो विंध्याचल पर्वत में है कालिदास ने ऋतु संघार में जिस वर्षा के बारे में वर्णन किया है वर्षा के बारे में बताया है वो विंध्याचल पर्वत में रहकर बताया है विंध्याचल पर्वत पर जैसी बारिश होती है बारिश होने के बाद क्या सुंदर मनमोहक जो नजारे जो दृश्य उपस्थित होते हैं उन सबको केंद्र में रखकर उन्होंने वर्षा का वर्णन किया है ठीक है तो हिमाचल के इन मध्य घाट मध्य की घाटियों में हिमाचल के इन बीच की घाटियों में नहीं है ऐसी सुंदर वर्षा जो वहां होती है वो यहाँ पर नहीं होती <coughs> मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं वो कहते हैं कि मैं नहीं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि ऋतु संहार में जिस वर्षा के बारे में वर्णन किया गया है उसकी सुंदरता को लाहुल स्पीति के जो नर नारी है वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है मतलब वर्षा को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया है ठीक है वह यह जानते ही नहीं है कि बरसात में उनको ये पता ही नहीं है कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं मस्त हाथी खुश होकर चिंगारते हैं और वर्षा की बूंदों से जंगल हरे भरे हो जाते हैं अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती है अपने उनको प्रियजनों को याद करके वो रोती है मोर नाचते हैं और बंदर जो है वो चुप मारकर गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं वर्षा ऋतु में बंदरों बंदरों की उछल कूद समाप्त हो जाती है और वो गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं तो स्पीति के नर नारियों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता क्यों नहीं पता क्यों नहीं पता बताओ क्यों नहीं पता जल्दी बताओ लेखराज क्यों नहीं पता क्या हुआ लेखराज Yes. Yes, क्यों नहीं पता स्पिति के नर नारियों को बरसात के बारे में इतना सब कुछ क्यों नहीं पता क्योंकि जानती नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं तो बोल दिया करो ना तुम लोगों को बोलने में जोर आता है क्या mm. है मैं अकेले के लिए पढ़ाती जाऊँ तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर कैसे मजा आएगा पढ़ने में बताओ और चलो पहले तो और बच्चे भी आ जाते थे लेकिन उन लोगों ने बच्चों ने पढ़ लिया तुम लोगों की ऑनलाइन दे रही हूं जो जिन बच्चों ने ऑनलाइन अटेंड नहीं किया ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है ये बाकी बच्चों को तो मैंने पढ़ा ही दिया चैप्टर ये तो जवाब दिया करो जो पूछा जाए उसका जवाब दिया करो चाहे तुम्हें गलती आए पर जवाब दिया करो चुप मत बैठा करो कोई भी आई बात समझ में अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली वर्षा क्या है अपने बहुत से अच्छे अच्छे गुणों से सबको सुहावनी लगती है स्त्रियों का जी खिलाने वाली स्त्रियों को प्रसन्न करती है पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी यानी कि पेड़ों पर और जब टहनियों पर वर्षा की बूंदे गिरती है तो वो खिल खिला जाती है वो हरी हो जाती है खुश हो जाती है सभी जीवों के प्राणों का आधार है ये वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे मतलब आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी करे तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है ये देवता कहाँ पर रहता है और हमारे स्पीति में क्यों नहीं आता है क्योंकि उनको वर्षा के बारे में नहीं पता है ठीक है तो वर्षा के गुण कौन कौन से हैं वो आप याद रखना हमने भी ऊपर पढ़ा है वर्षा की ऋतु में वर्षा के ऋतु के कौन कौन से गुण हैं कौन कौन से गुण हैं ठीक है ना जैसे बरसात में नदियां बहती है बादल बरसते हैं मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं ठीक है ना जंगल हरे भरे हो जाते हैं इससे अपने प्रियजनों से मिलने के लिए रोती है मोर नाचते हैं बंदर गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं ठीक है और क्या है ये जो वर्षा है वो क्या कर रही है स्त्रियों के मन को प्रसन्न करती है पेड़ों की टहनी और बेलों की सच्ची सहेली है ठीक है सभी जीवों के प्राणों का आधार है और इस वर्षा से ही हमारी सारी इच्छाएं सारे मनोरथ पूरे होते हैं यदि वर्षा नहीं हो तो हमें अनाज भी ना मिले जो कि खाना पेट भरना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है अगर वर्षा ना हो तो वो भी हमें नहीं मिलेगा इसलिए क्या है वर्षा हमारे प्राणों का आधार है यदि इससे बरसात से पानी बरसकर जमीन में नहीं जाएगा ठीक है तालाबों बांधों में नहीं भरेगा तो हमको पीने को पानी भी नहीं मिलेगा और जल ही क्या है जीवन है आई ना बात सबके समझ में ये सारे क्या है ये वर्षा के गुण है ठीक है और इन गुणों से ये सबको सुहावनी लगती है सबको अच्छी लगती है ठीक है क्लियर ये बात सबको yes, आगे है कि में कभी-कभी कभी-कभी बारिश होती है, कभी -कभी, बहुत बाई चांस। वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती वर्षा ऋतु से यह मन की इच्छाएं पूरी नहीं रहती होती धरती सूखी रहती है ठंडी रहती है और वंध्या मतलब बंजर रहती है ठीक है स्पीति में साल में एक फसल होती है पूरे साल भर में एक फसल मुख्य फसलें क्या है दो किस्म का जो गेहूं मटर और सरसों बस इतना ही इसमें भी जो मुख्य है जो ही ज्यादा होता है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, या उन पर बनाए गए पुल हैं, बनाए गए तालाब हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता ठीक है स्पीति में ऐसी भूमि भी बहुत है लेखक कह रहा है ऐसी बहुत सी भूमि है जो कि खेती के लायक बनाई जा सकती है यहाँ पर खेती की जा सकती है सिर्फ शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति इस में जल उलीचा जाए इसके लिए स्पीति इस में बहुत सारा जल डाला जाए जल को यहाँ पर उंडेला जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए ठीक है स्पीति में कोई फल नहीं होता है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फल नहीं होता मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती शायद शायद क्यों नहीं होती? ऊंचाई इसका कारण हो सकती है या वायुमंडल के दबाव में कमी हो सकती है या ठंड की अधिकता हो सकती है या वर्षा की कमी वगैरह ये आदि कारण हो सकते हैं और इसी कारण यहाँ पर पेड़ भी नहीं होते इसलिए स्पीति इस विशेष रूप से नंगी और वीरान है नंगी मतलब यहाँ पर कोई हरियाली नहीं है और दूर दूर तक सुनसान दिखाई देती है किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना ठीक है आगे लेखक कह रहा है कि वर्षा यहाँ एक घटना है यदि वर्षा यहाँ पर हो जाती है तो उसे घटना माना जाता है एक सुखद संयोग है यह जो वर्षा का होना एक सुख देने वाला संयोग है हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे लेखक कह रहा है कि जब मैं काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरी खिड़की को खड़का रहा है आधी रात का भी पिछला पहर है आधी रात से पहले का समय है अब लेखक को लगा कि इस समय कौन हो सकता है तो लैंप की लो तेज की तो उन्होंने क्या किया लैंप की लोको की रोशनी को तेज किया खिड़की का एक पल्ला खोला खिड़की का एक दरवाजा खोल लिया तो तेज हवा का झोंका आया जो उनके मुंह और हाथ को छील गया मुंह और हाथ को आकर चुभ गया मतलब बहुत तेज मैंने पल्ला भिड़ा दिया और मैंने फिर दरवाजा बंद कर दिया और उसकी आड़ से देखने लगा कि क्या देखा कि बारिश हो रही थी मैं उसे देख नहीं पा रहा था बारिश को अंधेरे के कारण वो देख नहीं पा रहा था लेकिन बारिश की आवाज को सुन रहा था ठीक है अंधेरा ठंड और हवा का झोंका आ रहा था अंधेरा था ठंड थी और हवा का बहुत ठंडा सा झोंका आ रहा था जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदे पड़ रही थी बर्फ जैसी जैसे बर्फ को साथ में लेकर बर्फ की जैसी बूंदे छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे नगाड़ा बज रहा हो या दुंग छेन, ये बजाने का यंत्र है, ना? या दुंग छेन छेन बजाने का यंत्र है है ठीक ना या को हवा बजा रही थी उस दुंग छेन को हवा हवा के चलने से वो बज रहा था या फिर महाशंख की जो आवाज है वो इस घाटी में तैर रही थी स्पिति की घाटी में वर्षा हो रही थी ठीक है कमरे में ठंड पड़ रही थी मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया लेखक को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया और जब सुबह उठा तो चाय पीते पीते सुना जब वो चाय पीते पी रहा था तब उसने क्या सुना कि आज स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है जो हमने यात्रा की है वो अपने लिए खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत शुभ सिद्ध हुई है क्यों क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है स्पीति में बारिश बहुत दिनों के बाद हुई है और बारिश होना एक शुभ लक्षण का संकेत देता है ठीक है यह आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है कल इसके में क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लास के अंदर भेजूंगी आगे बात सबके समझ में ठीक है किसी को कोई दिक्कत कल शायद आप का पेपर भी है ना कल पेपर भी है ना तुम लोगों का हिंदी का यस yes, मैम हाँ ठीक है चलिए कल पेपर देंगे आज सब लोग अच्छे से तैयारी कर लेना दोनों चैप्टर हाँ बोलो बोलो युवराज मैम कौन कौन से चैप्टर का है थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना ठीक है ना ओके okay. इनके बीच में से क्वेश्चन आएंगे और पीछे yes, से क्वेश्चंस आएंगे ओके बाय सबको यस मैम